हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टूवर्ड्स सक्सेस में। देखो, मैं फिर से एक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें कुछ और जो क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में रह गए थे, मुझे और क्वेश्चंस मिले हैं, तो उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे जीएस के, मैंने वो पहले अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उसको भी एक बार देख लें। उसके लिए आप या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उस पर चले जाएँ, या फिर वीडियो के ऊपर कॉर्नर में आई बटन आ रहा है उस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और दोस्तों, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली और वीडियोस उनको मिलती रहे, और लोगो पायलट से जितने भी शिफ्ट होने वाले हैं सबके क्वेश्चन उनके पास तुरंत पहुंचते रहे ताकि वो भी अपने आप को आने वाले एग्जाम के लिए तैयार कर सके। तो इसमें मैथ के और जीएस के क्वेश्चन देखने वाले हैं, चलो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में बता दिए थे तो मैं उनको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, तो इसमें कुछ नए क्वेश्चन हैं। और जो पुराने क्वेश्चन थे यानी कि फर्स्ट शिफ्ट के जो कुछ बचे हुए क्वेश्चन थे वो पहले मैंने अपलोड कर दिए थे, तो आप इसके नए क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। नागालैंड के सीएम कौन है, ये पूछा गया था कि नागालैंड के सीएम कौन है। तो अब सभी स्टेट के सीएम और गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप उनको याद कर लें। तो सीएम नागालैंड के जो सीएम है वो है TR जेलियांग, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ये पूछा गया था। देखिए, बीच में जो क्या था कि सुरेश प्रभु जी को वित्त मंत्रालय ट्रांसफर कर दिया गया था क्योंकि जो अरुण जेटली है उनकी तबीयत खराब थी इस वजह से, ठीक है, तो सुरेश प्रभु इसका राइट आंसर होगा। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है, ये पूछा गया था। तो तमिलनाडु के गवर्नर कौन है, वो है बनवारी लाल पुरोहित। तो आप जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, पता नहीं किससे पूछ ले, तो आप सारे स्टेट के गवर्नर और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो सारे कवर कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलाहाबाद बैंक की सीईओ कौन है। देखियो, अलाहाबाद जो बैंक है उसकी सीईओ हैं उषा जी हैं उनकी सीईओ। तो ये एक लेडीज़ हैं और लेडीज़ को ज़्यादा मतलब रेस्पेक्टफुल में और वुमेन एम्पावरमेंट के पर्पज़ से देखा जाता है। तो ये जितने भी सीईओज़ हैं बैंक की, जो भी लेडीज़ हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो आप उसको भी याद कर लें। कॉमनवेल्थ गेम में किसने इंडिया की तरफ से पहला मेडल जीता था, ये क्वेश्चन आया था। तो ये जीता है गुरु राजा ने, और ये कौन सा मेडल था, ये मेडल था सिल्वर। और ये किस में जीता है, ये जीता है वेट लिफ्टिंग में। तो आप कॉमनवेल्थ के जितने भी फैक्ट्स हैं आप उनको याद कर लें। कॉमनवेल्थ से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर जाएंगे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। देखिए, एक क्वेश्चन बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था कि KKR के ओनर कौन है, KKR के ओनर पूछे गए हैं। वैसे तो ये कोई आम क्वेश्चन है नहीं कि अगर सभी पढ़ के जाएं, कुछ को पता होगा कि शाहरुख खान है, लेकिन कुछ और भी उसके पार्टनर हैं जैसे जूही हैं, और भी हैं, आप देख सकते हैं ये इसके कौन ओनर है। अब इसमें कह नहीं सकते कि वो IPL से कोई क्वेश्चन आए, तो आप एक बार हो सकता है तो आप चेक कर सकते हैं, इनके ओनरशिप चेक कर सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा मेटल है जिसको पनीर की तरह काटा जा सकता है। तो ऐसा सोडियम और पोटेशियम दो हमारे मेटल होते हैं जिनको हम चाकू से पनीर की तरह काट सकते हैं। और ये पूछा गया था कि एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की है, तो ये चेचक का टीके की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने की है। और एक साथ में फिजिक्स से ये क्वेश्चन था कि 1 किलोवाट कितने जूल के इक्वल होता है, तो ये होता है 746 जूल के। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो हड्डियां और मांसपेशियां होती हैं वो किस तरह जुड़ी रहती हैं, तो ये जुड़ी रहती हैं टेंडन से। और हड्डियां किससे जुड़ी रहती हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हड्डियां आपस में लिगामेंट की वजह से जुड़ी रहती हैं। और पूछा गया था कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो इंसुलिन की खोज जो की थी वो की थी बेंटिंग एंड बैट्स ने। तो आप जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं हार्मोन से रिलेटेड, आप उनको उनके खोज करता है जो भी हैं उनको आप याद करके जाएं। एक पूछा है कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, तो ये रेजिस्टेंस की यूनिट सिंपल है कि ओम होती है। तो रेजिस्टेंस का उल्टा जो होता है वो आप जरूर याद करके जाएं, जिसका यूनिट होती है मो, और जिसको क्या बोलते हैं, चालकता, ठीक है, आप उसे पढ़ लें। आगे देखिए, SI से क्वेश्चन आया था मैथ का क्वेश्चन है कि SI में आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, मूलधन जिसको बोलते हैं हिंदी में 1600 रुपये, रेट दिया हुआ है दर यानी कि 5%, और टाइम दिया गया था 6 ईयर यानी 6 साल, और इसका सही आंसर क्या आएगा, 680 रुपये। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, PRT/100 से आप आराम से इसको निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अरुण व दीपक की जो वर्तमान आयु का अनुपात था वो 4 और 3 है, 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी, तो दीपक की वर्तमान आयु क्या होगी। ये सारे सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को आते होंगे, और इसका सही आंसर क्या है, वो है 15 साल। अगला क्वेश्चन देखिए, पी व क्यू की वर्तमान आयु के बीच का जो अनुपात है वो है 6 और 7, जिस यदि पी और क्यू 4 से बड़ा हो
तो 4 वर्ष बाद पी और वह क्यू के बीच का आयु का अनुपात क्या होगा? तो इस तरीके का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर होगा 7 और 8। आगे देखिए, रूट ऑफ 15376, इसका हमें वर्ग मतलब सॉरी अंडर रूट निकालना था, तो इसका अंडर रूट होता है 124। और एक क्वेश्चन था ट्रेंगल से, उसमें क्या था कि आपको ट्रेंगल की प्रॉपर्टीज यूज करके दूसरी एक साइड निकालनी थी, और एक सर्कल से था जिसमें आपको प्रॉपर्टी दी गई थी और उसमें आपको यूज करना था स्पर्शता का, स्पर्श रेखा जो होती है उसके बेसिस पे और जीवा के बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, तो वो भी एक सिंपल क्वेश्चन था जो आपको करना था। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो मुझे अभी और मिले हैं, जैसे और क्वेश्चन रीजनिंग के या फिर मैथ के मुझे क्वेश्चन मिलते हैं और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन जैसे आते हैं मैं आपको तुरंत पहुंचाऊंगा। इसके लिए आप चैनल को शेयर कर दें ताकि और लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट उठा सकें, और जो लोग पेपर दे के आते हैं वो क्वेश्चन यार प्लीज़ कमेंट कर दें ताकि और लोग भी उनका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।